हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। एंड आज का जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, बिकॉज हम सबको बताए क्या रीज़न है कि RTU फिफ्थ सेम का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। एग्ज़ाम कब लिए गए थे? फेब्रुअरी में, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए बट रिजल्ट नहीं आया है फिफ्थ सेम का। बाकी 7 सेम, 8 सेम, इन सब के रिजल्ट आ चुके हैं, फिफ्थ सेम का रिजल्ट नहीं आया। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, यू वॉन्ट बिलीव मी, बहुत सारे लोगों ने बोला सर मैं के वीडियोस और डेट आगे तक बात पहुँचे, उनको पता चले कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा करते हैं। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। जिन्होंने भी कमेंट्स करिए उन सब के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने जो नोट्स परचेज किए थे, जो भी मैंने आपको सेल आउट किए थे, एंड मैंने कहा था मिनिमम 50% चैरिटी में जाएगा, लेकिन हमने 100% जो भी अमाउंट थी वो पूरी की पूरी चैरिटी में डाल दी। उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जाके देखो आपका अमाउंट हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की मदद कर पा रहे हैं बाई जस्ट सेलिंग द नोट्स। तो एक बड़ा अपन ने प्लेटफॉर्म एक क्रिएट कर दिया है जिसके थ्रू अपन नोट्स सेल आउट कर रहे हैं, जिससे आप नोट्स पढ़ पा रहे हो, आपका करियर बन पा रहा है, ठीक है। दूसरे एंड से आप ही की अमाउंट से दूसरे लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। तो एक बिग अपन चीज़ और बिग चेंजेस कर पा रहे हैं इस लाइफ में, एक बिग चेंजेस ला पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिलीविंग इन मी, एंड अपन आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड वी विल डिस्कस नाउ RTU फिफ्थ सेम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, दैट इज अ रीज़न। और कुछ लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि कईयों ने बैक के एग्ज़ाम दिए थे फिफ्थ सेम में, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनके बैक थी फिफ्थ सेम में, तो वो बैक के एग्ज़ाम दिए थे। अब वो कंपनियों में लग गए हैं, नाउ कंपनी उनको मार्कशीट मांग रही है उनसे, उनके एकेडमिक स्कोर्स मांग रही है, तो वो अब कैसे दे पाएंगे और कैसे जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो फिफ्थ सेम के रिजल्ट्स के कारण काफ़ी लोग पेंडिंग में पड़े हैं, उन्होंने अपनी डिस्कस करी प्रॉब्लम मेरे साथ, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया RTU करके ट्विटर के ऊपर हैंडलर है, उसके ऊपर जाओ, सब उनसे चैट करो, उनको मैसेज करो, उनको बार बार ट्वीट करो, हैशटैग चलाओ डिक्लेयर RTU फिफ्थ सेम एग्जाम, डिक्लेयर RTU फिफ्थ सेम एग्जाम, डिक्लेयर RTU फिफ्थ सेम एग्जाम, इस तरह से हैशटैग चलाओ। एंड और क्या कर सकते हैं, अपन मेल कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। किसी के पास कॉन्टैक्ट है कोई RTU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो प्लीज़ आप जाओ उन्हें बताओ कि सर प्लीज़ डिक्लेयर द RTU फिफ्थ सेम एग्जाम, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं एंड वी एक्चुअली नीड इट, बहुत टाइम हो चुका है एंड काफ़ी टाइम जा चुका है, फिर अगस्त भी जाने वाला है ऑलमोस्ट। सो वी रिक्वेस्ट यू सर प्लीज़, हम तो अपनी बात रख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, एंड प्लीज़ लिसन टू द स्टूडेंट्स, उनकी बात सुनिए, वो आप ही के लिए हैं। सो उनका फिफ्थ सेम का रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर कीजिए, सो दैट दे कैन गेट ए जॉब एंड सिक्योर द जॉब एंड आगे मूव ऑन कर सकें। ऐसा नहीं हो कि एक ही चीज़ को लेके बैठे रहें, तो प्लीज़ डिक्लेयर RTU फिफ्थ सेम। एक और चीज़, अपने चैनल के ऊपर 7 सेम, 8 सेम, 6 सेम, 5th सेम, 4th सेम, 3rd सेम का सारा ऑलमोस्ट कंटेंट हम कवरअप कर रहे हैं और कवरअप कर भी लिया है, तो सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर क्लासमेट्स, ताकि वो भी पढ़ पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि यस देर इज़ अ चैनल जो आपके लिए काम कर रहा है डे बाई डे, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोज, सो दैट वो भी पढ़ सके, समझ सके, एंड जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है फॉर मेकिंग दिस वीडियो। So please support me and I will make according to you whatever you want, whatever your demand. So we will make that kind of videos on this channel, on this platform. And जो हमने donate किया है similarly हम आगे भी करते रहेंगे. And thank you so much once again and मिलते हैं next video के साथ में। जय हिंद, जय भारत।